डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास के, आई होप दैट यू आर वेल एंड फाइन। योर सेकंड चैप्टर इज ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर। योर लास्ट हेडिंग इज रोमन नंबर्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट रोमन नंबर्स। हाउ कैन वी राइट एनी हिंदू अरबिक नंबर्स इन रोमन न्यूमरल। मीन्स रोमन किसी भी नंबर्स को हम रोमन नंबर में कैसे राइट कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल लर्न सिंबल ऑफ रोमन नंबर्स। व्हाट इज सिंबल ऑफ रोमन नंबर? 1, 2, 3 मेन सिंबल ऑफ रोमन नंबर। One, 5, 50, 100, 500 and 1000 फर्स्ट का सिंबल है आई, फिर 5 का सिंबल है वी, 10 का सिंबल है एक्स, 50 का सिंबल है एल, 100 का सिंबल है सी, 500 का सिंबल है डी एंड 1000 का सिंबल है फाइव। मीन्स विदाउट सिंबल यू कैन नॉट राइट इन द रोमन नंबर। या हम ये कह सकते हैं कि रोमन नंबर राइट करने के यही बेस है, क्योंकि इन्हीं को हम इन्हीं के फॉर्म में हम ये कह राइट रोमन नंबर को राइट कर सकते हैं या करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी राइट एनी हिंदू अरबिक नंबर्स इन द रोमन नंबर्स। देयर आर 4 रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट रूल, वी कैन नॉट रिपीट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर जैसे 3 लिखना है तो आई को हम 3 टाइम रिपीट करते हैं, बट 4 लिखना हो तो हम 1, 2, 3, 4 नहीं राइट कर सकते। ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। ये था, ये करेक्ट है। मीन्स एनी सिंबल को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड में आपके जो रिपीट होते हैं, देखिए आई, एक्स, सी एंड एम, आई एक्स सी एंड एम, ये जो आपके सिंबल हैं यही सिंबल्स 3 टाइम्स रिपीट होते हैं, और इसके बाद जो भी सिंबल हैं वो रिपीट ही नहीं होते 3 टाइम्स। मीन्स हम अगर रिपीट भी करते हैं 3 टाइम तो वो आई होगा या एक्स होगा या सी होगा या एम होगा, इन्हीं सिंबल को रिपीट करते हैं। थर्ड मीन्स जैसे एक्स, एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे 30 राइट करना है एक्स एक्स एक्स, 300 राइट करना है तो सी सी सी, 3000, तो इस तरह आपके अगर रिपीट होते हैं तो यही रिपीट होंगे और नहीं। रूल ऑफ थर्ड रूल में, इफ एनी स्मॉलेस्ट नंबर राइट द राइट साइड ऑफ द बिगेस्ट नंबर देन वी ऐड। मींस जब कोई स्मॉलेस्ट नंबर किसी बिगेस्ट नंबर के राइट साइड लिखा जाता है तो हम उसको ऐड करते हैं। जैसे 5 और आई, ये वी मीन्स 5 और आई मीन्स 1, तो मतलब कि 1 स्मॉलेस्ट है और 5 बिगेस्ट है।
तो 15 के किस साइड है, राइट साइड राइट किया गया है, तो ये ऐड हो जाएगा 5 और 1 मिलकर इक्वल टू 6। हम इसको क्या कहेंगे, 6 कहेंगे। अब जैसे L 10, L X, L बिगेस्ट है और 10 स्मॉलेस्ट है, तो 10 जो है बिगेस्ट के राइट साइड राइट किया गया है, तो ऐड हो जाएगा और ये होगा 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। नेक्स्ट टाइम रूल नंबर फोर, व्हेन वी राइट एनी स्मॉलेस्ट नंबर लेफ्ट साइड ऑफ द बिगेस्ट नंबर देन वी सब्ट्रैक्ट। तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इफ कोई नंबर बिगेस्ट नंबर के, कोई स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड राइट होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मीन जैसे अभी यहाँ पर आपने समझा राइट साइड किए तो 6 हो गया। अब इसी का एक एग्जांपल देखिए, ये वी 5 और आई 1 है, तो ये बिगेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड में राइट किया गया है, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, मीन्स ये आई वी जो है वो क्या है, 4 है। और इसी का एग्जांपल देखिए, जैसे ये L 50 है और X 10 है, तो अब यहाँ पर 50 में से 10 को क्या किया गया है, 10 जो है राइट, X जो है L के लेफ्ट साइड राइट किया गया है, तो इट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, तो ये आपका क्या राइट किया गया है, 40 राइट किया गया है। तो ये 4 रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग आप किसी भी हिंदू अरबिक नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोमन नंबर में राइट कर सकते हैं। इन्हीं 4 से ज़्यादा और कोई भी रूल नहीं है।